बागेश्वर धाम के मुखिया धीरेंद्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र की वकालत की। हम आपको चार तस्वीरें दिखाते हैं। बागेश्वर धाम में बाबा का दरबार किस तरह से लगा हुआ है, बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। दरबार में हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेंद्र शास्त्री ने एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी है। धीरेंद्र शास्त्री ने कहा है कि अगर लोग उनके बयान से जलते हैं तो वो क्या करें, हिंदू राष्ट्र को लेकर संकल्प लिया है धीरेंद्र शास्त्री ने और उसी की बात वो हर मंच पर करते हैं। हिंदू राष्ट्र की एक बार फिर वो हुंकार भर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम तो हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे, अगर कुछ लोग हमारे बयान से जलते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र को लेकर वो हुंकार भर रहे हैं। धीरेंद्र शास्त्री को आपने कई बार सुना, इससे पहले सनातन की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और साफ तौर पर कहते हैं कि जो सनातन के खिलाफ बोलेगा हम उसके खिलाफ बोलेंगे, हम उसके खिलाफ हो जाएंगे, हमारा किसी से कोई बैर नहीं, लेकिन जो सनातन के खिलाफ बोलेगा उसके खिलाफ हम बोलेंगे और अगर कोई जलता है सनातन को लेकर हमारे बयानों से, कोई जलता है अगर हिंदू राष्ट्र के बयान को लेकर तो वो जलता रहे। धीरेंद्र शास्त्री तो ये भी दावा करते हैं कि पाकिस्तान का भारत में विलय होने वाला है। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्या परपादुकाभ्यां आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्यां श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां वंदे गुरु परंपरां। तुलसी तुलसी सब कहें तुलसी बन की घास, कृपा भई रघुनाथ की सो बन गए तुलसीदास। श्री सीताराम भगवान की जय, श्री बद्रीनाथ भगवान की जय, श्री राम राजा सरकार की जय, पीताम्बरा मैया की जय, कुंडेश्वर धाम की जय, अपने अपने मताई बाप की जय, अछरू माता की जय, बागेश्वर धाम की जय, शीतला माता की जय, सब संतन की जय, नारद मुनि की भूमिका निभावे वालन की जय, संत समाज की जय, जय जय सीताराम। कि आपके द्वारा उन पर दबाव बनाया जा रहा है और कि कंप्रोमाइज किया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, ना तो हम उस विषय में दूर दूर तक हैं, ना हमें उस विषय से कोई लेना देना है, वो उनका उनका निजी विषय। कानून अपना कार्य कर रहा है और सत्य की जीत होगी, सत्य की जीत हो, सत्य की जीत रहेगी। इस प्रकार की लीलाएं चलती रहती हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लोगों को तो नाम चाहिए। अब वरना फिर आपका मोबाइल और आपकी टीवी और न्यूज कौन देखेगा अगर बागेश्वर धाम का नाम नहीं जुड़ेगा। सर, मौलाना तौकीर रजा ने कहा है हिंदुत्व की बात अच्छी है। ये तो ठीक वैसे ही वाली बात हो गई है कि हमारे गाँव में एक आदमी था जो अपने आप को प्रधानमंत्री कहता था, लेकिन बेचारा मर गया है। खैर, उसको कैंसर हुआ था इसलिए मर गया है। तो उन्होंने कहा कि किसी के बाप की बाप में अगर हिंदुओं के बाप में दम होगी तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। जैसे जैसे आप घर वापसी करवा रहे हैं उसके बाद से, जैसे कि आपने सुल्ताना को बनाया शुभिदा जी, उसके बाद से आगरा की एक मस्जिद प्रबंधक ने कहा है कि बागेश्वर धाम से मुसलमान दूर रहे, इससे आप क्या कहें? कुछ नहीं, उनका निजी मत है, उनको भय होगा कि कहीं बागेश्वर धाम जाकर बालाजी के चमत्कारों को देखकर लोग पंथ से सनातन धर्म में ना आ जाए, उनका निजी विचार है। हमारे यहाँ तो हम उस धर्म से हैं जहाँ वसुदेव कुटुंबकम की चर्चा की जाती है और हमारे यहाँ तो सबका स्वागत है। और उनको हम एक बार प्रार्थना करेंगे कि मंगलवार को वो बागेश्वर धाम आवें। बागेश्वर धाम पर कोई कट्टरता नहीं है, बागेश्वर धाम पर हर पंथ के लोग मिल जाएंगे और हमसे बहुत पर्सनली हर पंथ के। कल ही यहाँ टीकमगढ़ की कलश यात्रा में हमारी राम राजा सरकार की जो झांकी निकल रही थी, रामकथा की जो कलश यात्रा निकल रही थी, उसमें एक जगह नहीं, दो तीन जगह मुसलमान भाई पुष्प वर्षा करके स्वागत कर रहे थे।
ये वैमनस्यता फैलाना है। हिंदू राष्ट्र हमारा किसी पंथ के खिलाफ नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब हम ये पंथ की लड़ाई बंद करना चाह रहे हैं। कब तक हिंदू मुसलमान करोगे इस देश में? कब तक जाति बात पर मारोगे और गालियां बकोगे? हम हिंदू राष्ट्र से ये मैटर ही खत्म करवाना चाहते कि हिंदू राष्ट्र बने, सामाजिक समरसता हो, सभी पंथ यहाँ पर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बागेश्वर धाम की जय। श्री राम। कई लोगों ने मांस मंदरा और नशा छोड़ा था, माताओं की तरफ से आपको आभार है, उनके बच्चे लाइन पर आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही कार्य को संपन्न बनावे। बागेश्वर धाम की भारत हिंदू राष्ट्र। क्या ऑप्शन है? सिद्धि में जीत नहीं पा रहे, बातों में जीत नहीं पा रहे, काम में मुकाबला नहीं करते। हम तो कहते किसी को हमसे जलन बरकरार है, वो 100 हमने 125 बेटियों का विवाह किया है, वो 500 का करके बताए। मकान मिल जाएगा, मकान मिल जाएगा। बागेश्वर धाम पर 3 साल से भंडारा चल रहा है और कोई व्यक्ति 1 साल चला के बताए अपने घर पर, मकान बिक जाएगा। तो ये जलन है, जलन उनको बरकरार रखना चाहिए, हम अपना जलवा बरकरार रखें। एक आखिरी में पूछ लेते, पाकिस्तान की हाल आपको मालूम ही है, क्या बोलेंगे बागेश्वर धाम सरकार? पाकिस्तान विलय होने वाला है। धन्यवाद। और कोई कोई ऐसा मुद्दा बताओ जो बहुत नया हो भाई आप लोगों को। अच्छा, युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं? माता पिता गुरु ही भगवान है। युवा नशा में ना पड़े, प्रत्येक युवा मंदिरों में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करें हिंदू राष्ट्र के। महाराज जी, महाराज जी, जितनी साफ गोई स्पष्टता और दृढ़ता के साथ आप अपनी बात रखते हैं और आपके ऊपर ऐसे निंदनीय और ऐसे आरोप लगाने के बाद भी बिना विचलित हुए आप, जैसे साक्षात हनुमान जी की कृपा आप पे है कि आपने जो है इतनी सहजता से आंसर किए। और एक जगह तो आप ये कह रहे हैं कि जांच करा लो, जो हो सामने आएगा, सच सामने आएगा। ये अंतर मन से आपके भीतर से ये दृढ़ता आपकी साधना के वजह से आई है कि क्रमशः हनुमान जी बप्पा की आप पे कृपा हो रही है? बालाजी और गुरु की कृपा हम कभी लाग लपेट नहीं जानते हैं, क्योंकि सांच कितने दिन तक छिपेगा हम ये जानते हैं। सूर्य को घना बादल कितने देर तक छिपाए रखे। लोकप्रियता बढ़ रही है तो आपको जो विरोध करने वाले लोग भी एक्टिव हो गए हैं और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप मतलब किसी रैंकिंग में फंस जाओ। हाँ जी, उनको क्या कहेंगे जो हाथी चले बजा? दूसरी बात, उसका जवाब ये है, इंटरनेशनल साजिशें हैं, सेम टू। तीसरी बात, तुम अपनी जलन बरकरार रखो, हम अपना जलवा बरकरार रखें। चौथी बात, हम गीदड़ नहीं है जो भुक्कियों से डर जाए। पांचवी बात, भगवान राम को भी लोगों ने नहीं छोड़ा, महावीर पर भी पत्थर मारे, मीरा को भी जहर पिलाया, भगवान कृष्ण को भी तांत्रिक कहा, तो हम तो आम है, हम डरने वाले नहीं। और बना जी, साजिश वाली बात तो आपने पहले कह दी थी, उसके बाद छतारी में हमने पूर्ववत ही भविष्यवाणी कर दी थी कि साजिशें होगी। अब फिर भविष्यवाणी करते हैं, जो अभी आप लोग हमारे ऊपर कह रहे थे ना कि आप क्या कहना चाह रहे हैं या किसी भी वो भाई का विषय, ये सब लंबी लंबी साजिशें हैं, इनसे डरना थोड़ी है, विचलित थोड़ी होना है। ये अभी अप्रैल महीने, अभी तब जब तक ये 24 नहीं आ गई तब तक ये और बड़े लेवल पर आएंगे। अभी तो प्लांटेड अभी लोग आने लगे, अब और प्लांटेड लोग आएंगे। क्यों? क्योंकि उनको भय है उन्होंने बात की कि आपके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ तो इंटरनेशनल साजिश भी हो रही है, मेरे खिलाफ लोगों को भेजा जा रहा है, कुछ लोगों को मुझसे डर लगता है इसीलिए मेरे खिलाफ साजिश रचते हैं, ये साजिशें अभी आगे चलती रहेंगी लेकिन इससे हम विचलित होने वाले नहीं है। मेरे खिलाफ इंटरनेशनल साजिश हो रही है, कुछ लोगों को मुझसे दिक्कत है इसलिए मेरे खिलाफ कुछ लोगों को भेजा जाता है, साजिश की जाती है, कुछ लोगों को मुझसे डर लगता है, तो ऐसे लोग आगे भी साजिश करते रहेंगे लेकिन हम ऐसी साजिशों से विचलित तो होने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि चाहे मेरे भाई का मुद्दा हो या फिर बागेश्वर धाम को लेकर उठ रहे सवाल हो, ये सारी साजिशें हैं और जिन लोगों को मुझसे दिक्कत है, जिन लोगों को मेरी बातों से दिक्कत है, वो लोग इस तरह की साजिशें षड्यंत्र मेरे खिलाफ करते हैं, इस तरह की साजिशें आगे भी होती रहेंगी, उनसे विचलित होने की कोई जरूरत नहीं है। तो बागेश्वर धाम में दरबार लगा है जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं, हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी हुई है और वहीं से एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरते हुए धीरेन्द्र शास्त्री
नजर आते हैं और कहते हैं कि अगर हमारे बयानों से, हिंदू राष्ट्र की बात करने से, सनातन की बात करने से अगर किसी को दिक्कत होती है, किसी को जलन होती है, तो वो जलते रहें, हम तो सनातन की बात करेंगे और हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे। जिन लोगों को मुझसे दिक्कत होती है वो मेरे खिलाफ षड्यंत्र भी करते हैं, कुछ लोगों को मेरे खिलाफ भेजा जाता है, कुछ लोगों को मुझसे डर लगता है, वो लोग मुझसे जलते रहें, साजिश करते रहें, हम ऐसे विचलित नहीं होंगे। तो पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं धीरेंद्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, सनातन की बात कर रहे हैं, इसके लेकर उन्होंने बाकायदा एक पूरा कार्यक्रम भी आयोजित किया बागेश्वर धाम में। अरे बालाजी, एक सवाल थी, क्या सालग्राम जी को सुधारने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं आप? जी सालग्राम जी आपके जो भाई हैं, अभी सर घटना घटी है, तो ऐसे आप दुनिया को सुधार रहे हैं तो प्रयास करेंगे अपने भाई के लिए लाइन पे लाएं? इस तरह पहले सत्य सामने आने दो। जी जब से आपकी टीकमगढ़ में कथा हुई है तो युवाओं में काफी बदलाव आया है, आपकी सोच छोटी है, युवाओं के लिए क्या बोलना चाहिए? क्या कोई भाई चाहेगा कि हमारा भाई बेकार हो? कोई चाहेगा कि हमारा पिता बेकार? आप भी आना। जितना कैंसर से इंसान को खतरा है, जितना कोरोना से लोगों को खतरा है, उतना ही जातिवाद से हिंदुत्व को खतरा है। जो विद्या आपके पास है थोड़ी बहुत हम आ जाओ, नहीं अभी तो आ जाओ, पेंट उतारो, आओ घर छोड़ो, आरोप लगाएंगे उसको, उसमें भी मुस्कुराने की कला सीखो और इसके बाद में बागेश्वर धाम आओ, वेलकम। तो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं बागेश्वर धाम, वहां पर बाबा का दरबार लगा है। अपने दिव्य दरबार को लेकर अक्सर धीरेंद्र शास्त्री चर्चा में रहते हैं और अब उनके चर्चा में रहने की एक और वजह भी जुड़ गई है और वो वजह है हिंदू राष्ट्र का उनका संकल्प, जिस संकल्प को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं और जहां जाते हैं वहां सनातन की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और खुलकर कहते हैं कि हमारे हिंदू राष्ट्र की बात करने से अगर कुछ लोगों को दिक्कत होती है, किसी को जलन होती है तो उन्हें जलने दें, जिन लोगों को हमसे दिक्कत है वो हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, वो लोग आगे भी साजिशें रचते रहेंगे लेकिन हम अपने रास्ते से हिलने वाले नहीं हैं और विचलित होने वाले नहीं हैं। हिंदू राष्ट्र के संकल्प को लेकर बाकायदा एक हफ्ते का कार्यक्रम भी बागेश्वर धाम में आयोजित किया गया जिसमें आपने देखा कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और अब वो अपने कार्यक्रमों में खुलकर हिंदू राष्ट्र पर जोर देते हैं और इसका संकल्प बार बार लेते भी हैं और आने वाले लोगों से भी संकल्प को दिलवाते हैं।